लो चेन्नई वाले अपने बिछड़े यार को वापस लाने की तैयारी में लगे हैं। इसके अलावा परम श्रद्धेय अंबाती रायडू का भी चेन्नई वालों ने आखिरकार तोड़ ढूंढ ही लिया है। ट्रेड विंडो के चलते सीएसके फैंस के लिए चेन्नई की बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। तो भैया हम बात करेंगे पूरी डिटेल में, लेकिन आप भी कट्टर सीएसके वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको चेन्नई की हर छोटी और बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। धोनी भैया और हम सबका ड्रीम है छठी बार चैंपियन बनने का। ऐसे में चेन्नई ट्रेड विंडो के जरिए अपने को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी, जिससे अंबाती रायडू की कमी तो पूरी होगी ही और सीएसके अपने पुराने पिछड़े यार को भी ट्रेड विंडो के चलते अपने स्क्वाड में शामिल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों सीएसके की तेज बॉलिंग की कमियां बार बार सामने निकल कर आई थी, जिसमें दीपक चाहर और महिषा पाथीराना के अलावा कोई बेहतरीन गेंदबाज नहीं है। और चेन्नई सुपर किंग 2024 की आईपीएल से पहले घातक गेंदबाज को शामिल करना चाहेगी और अगले साल मुकेश चौधरी भी शामिल हो जाएंगे, जिससे बॉलिंग की धार काफी पैनी नजर आएगी। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो चेन्नई आगामी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ट्रेड करने वाली है और हर बार केकेआर फ्रेंचाइजी ट्रेड विंडो के जरिए खिलाड़ियों की अदला बदली करती हुई आई है। और इस बार भी केकेआर फ्रेंचाइजी चेन्नई के साथ दो बड़े प्लेयर को लेकर ट्रेड करने वाली है। इससे पहले केकेआर की टीम ने दिल्ली कैपिटल से ट्रेड करके शार्दुल ठाकुर को अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन केकेआर की टीम ने शार्दुल ठाकुर का पूरा फायदा नहीं उठाया, जिनसे बॉलिंग भी लगातार नहीं कराई है। और केकेआर की टीम ठाकुर के यहाँ चेन्नई वालों को ट्रेड विंडो के जरिए सौंपने वाली है। शार्दुल ठाकुर 2018 से 2021 तक चेन्नई की फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं और फिर शार्दुल ठाकुर 2022 में दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और फिर 2023 में केकेआर ने दिल्ली से ठाकुर को उठा लिया। लेकिन अब केकेआर की फ्रेंचाइजी ठाकुर को चेन्नई में भर्ती करने वाली है, क्योंकि ठाकुर 2-3 सालों से बराबर भटक रहे हैं। ऐसे में चेन्नई की फ्रेंचाइजी भटकते हुए शार्दुल ठाकुर को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी और बदले में सीएसके फ्रेंचाइजी केकेआर को बेन स्टोक्स जैसा बड़ा प्लेयर दे सकती है। नहीं भैया मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स में जा सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय देना बिल्कुल मत भूलेगा। तो भैया शार्दुल ठाकुर आएंगे चेन्नई में और रायडू के रिप्लेसमेंट को लेकर ट्रेड विंडो के जरिए बात करेंगे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।